जन्म 563 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा लुम्बिनी। ज्ञान 623 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा बोधगया। निर्वाण 370 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा कुशीनगर। इन तिथियों की गणना विश्व के महानतम तिथियों में की जाती है, जिसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन काल से रहा है, जो महज एक संयोग नहीं बल्कि एक अभूतपूर्व घटना है। जन्म, ज्ञान और निर्वाण जीवन के तीन महत्वपूर्ण घटनाओं का एक समय और काल में घटित होना किसी व्यक्ति के असाधारण व्यक्तित्व का परिचायक है। वो व्यक्तित्व जिसने मानवता को जीवन जीने की कला सिखाई, वो व्यक्तित्व जिसने सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य को सुखमय जीवन का मार्ग दिखाया। स्वयं के अनुभूतियों को आधार मानकर बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को आत्मदीपो भवा का संदेश दिया। संभवतः बुद्ध ने पहली बार मानवीय जीवन शैली और उसकी प्रासंगिकता को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सांसारिक जीवन में मनुष्य के दुखों के कारणों और उससे मुक्ति के उपाय खोजने का प्रयास किया। बुद्ध ने स्पष्ट संदेश दिया कि मनुष्य स्वयं ही अपने दुखों का कारण है और वह अपने ही प्रयासों से इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध ने जीवन के लिए चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का निर्धारण कर मानवता को एक नई दिशा दी, जिसके अनुकरण से मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध के मतानुसार मन, वचन और वाणी की शुद्धता के साथ साथ सत्य और अहिंसा के नियमों का पालन करने से ही सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तकरीबन 2500 साल पूर्व बुद्ध के दिखाए गए मार्ग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक ही समय और काल में गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण का प्राप्त होना मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान ही है, जिसकी दिव्य प्रकाश ने संपूर्ण विश्व को शांति का मार्ग दिखाया और आज संपूर्ण विश्व में इस दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
फोकस। सब्सक्राइब आवर चैनल।